जितना कपास नहीं आने वाला जितना आना चाहिए था तो नुकसान दुगना तिगना हो जाता है। तो ये जो बॉल रॉट है ये सभी किसान भाइयों ने आज हमारे साथ में यहाँ पे देखा कि इसमें पिंक बॉल वर्म बहुत से कॉटन बॉल्स में कहीं भी नहीं है, वो बॉल्स फूटे भी नहीं है, फूटने वाले भी नहीं है, और उसके अंदर खोल के देखने के बाद सड़ा हुआ भाग बहुत ज्यादा दिखता है लेकिन बॉल वर्म नहीं है। 15-20 बॉल खोलने के बाद कोई एक में से कोई पिंक बॉल वर्म निकलेगा जो सड़न आने के बाद आया है। तो सभी किसान भाई ये पूरी तरह कन्विंस है, पूरी तरह मान रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सभी के खेतों में है और ये बहुत बड़े नुकसान का एक मुख्य कारण है। और आपने ये बहुत सारे जन ने सोच भी लिया है कि अगले साल से कपास डालने का नहीं तो 50% एरिया कपास में कम कर देने का, क्योंकि कुर्ता कुछ नहीं है, नुकसान है और इलाज कुछ नहीं है। पहले तो रोग ही नहीं मालूम है, कोई कृषि अधिकारी आके ये देखने को तैयार नहीं था कि इधर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ है। एक अकेले किसान के ऊपर हम अपेक्षा नहीं रख सकते कि रोग भी ढूंढे और उसका इलाज भी ढूंढे। तो रोग तो हमने ढूंढा है, कॉटन गुरु ने अमृत राव देशमुख जो हमारे साथ में है, महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा वो उत्पादन लेते हैं, 51 क्विंटल पर एकड़ वो लेते हैं। लास्ट ईयर कॉटन गुरु में महाराष्ट्र ने 2 साल में करीबन 52 वर्कशॉप किए किसानों में, 30,000 किसानों को हम प्रत्यक्ष मिले, पर्सनली मिले, और 600 गांव में हम लोग गए थे, अलग अलग 600 गांव में। उन सबका सर्वे जब 2015 में गुजरात में शुरू हुआ पिंक बॉल वर्म का उपद्रव, 2017 में अक्टूबर में महाराष्ट्र में पाया गया, तब से हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि लोग एक ही इशू पे बात कर रहे हैं कि पिंक बॉल वर्म है और उसका इलाज कोई स्प्रे से होगा, कोई दवाई से होगा। बहुत सारे स्प्रे किसानों ने ट्राई किए हैं, बहुत सारे स्प्रे में खर्चा भी किया है लेकिन इलाज अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो कृषि विभाग से, मंत्रियों से और सभी किसानों से ये विनती कि पहले तो एक बात एक्सेप्ट करें कि ये सिर्फ गुलाबी ईयर या गुलाबी इल्ली का प्रॉब्लम नहीं है। इल्ली पहले भी आई थी जो पत्तों को फूल को गिराती है, फूल को गिराने वाली इल्ली अलग है और बॉल के अंदर होने वाली इल्ली अलग है। उसकी लाइफ 20 से 30 दिन की है, तो फूल को वो गिरा देती है, वो फूल खत्म हो गया, लेकिन जो बॉल बन गया उसमें सड़न आने के बाद वो इल्ली आई है, पिंक बॉल वर्म आया है। तो इसका इलाज झाड़ के थ्रू होगा या सीड के थ्रू होगा, ये दो ही चीज, या तो ऐसी दवाई हमें मिले किसानों को कि ये अंदर पहले स्टेज पे ही इस कैंसर का इलाज हो जाए, या तो ऐसे बीज मिले जिसके अंदर डीएनए हो ऐसा बीटी जैसा जो ये प्रॉब्लम आए ही नहीं। तो ये दायित्व तो अब कृषि विभाग का और सरकार का है कि ये तुरंत इसका इलाज ढूंढे और इसका इलाज करे। एक ही प्रॉब्लम आज 5 राज्यों में चल रहा है, पिंक बॉल वर्म नहीं पर पिंक बॉल रॉट, इसको पहले एक्सेप्ट करना होगा। रॉट ज्यादा है, वर्म का प्रॉब्लम उपद्रव बाद में आया है। अश्विन भाई आपका क्या कहना है इसके बारे में? मनीष भाई ने अच्छी तरह से हमको प्रेजेंट किया जो यहाँ कपास के डोडे जाके उसके तोड़ के उसमें ने देखा तो उसमें इली नहीं थी, उसमें छोटा सा डंक होता है, डाग होता है, वो डाग में से सड़न होती है, उसके आगे आगे सड़न चलती है और वो ज़्यादा सड़न जब पैदा हो जाती है उसके बाद इली आती है, पहले इली नहीं होती जी। ऐसा वो सब देखने से हमको पता चला। इसलिए इस सड़न कैसे रुका जाए, सड़न का इलाज कैसे किया जाए, उसके पर संशोधन किया जाए और उसका इलाज ये जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ गुजरात का सवाल नहीं है, भारत भर के 11 करोड़ किसान की जिंदगी पे इसका असर हो सकता है। जब तक नरेंद्र भाई की गवर्नमेंट में पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी जो है वो तल धरा का नेता है, वो किसान की पीड़ा क्या होती है वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्योंकि हमने उसके साथ बहुत काम किया है जी, इस वजह से वो हर बार हमको बोलते भी है उसमें क्या क्या नया किया जाए, आपकी वजह से आप क्या सोच रहे हैं, उसका इलाज क्या है, वो साहब भी हमको कई बार पूछते हैं जी। आप आने के बाद
पहली दफा हमको ऐसा उसका प्रॉपर इलाज कैसे किया जाए वो आपने हमको बताया है, वो हम रूपाला साहब को जरूर बताएंगे और उसको समझाएंगे और वो अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद हमको भरोसा है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा। बस कॉटन गुरु की सभी किसानों के वती आपको यही विनती है कि इस मुद्दे को जरा भी कोई लाइटली ना ले और इस मैटर को बहुत सीरियस ले लेके इसका इलाज हो तो ये किसानों के मुंह पे सच्ची मन की खुशी आएगी, नहीं तो है ना, समाज में तो रहना है, व्यवहार में रहना है, लेकिन बिना खेती में पैसा कमाए कोई व्यवहार काम किधर आने वाला नहीं है जी। अब इसका इलाज सरकार, कृषि विभाग और किसान सबको मिलकर ढूंढना है। मेरा आह्वान है कपास इंडस्ट्री को भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री 150 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, हम 70,000 से 1,00,000 करोड़ रुपए का कपास भारत में उगाते हैं, तो इसका अगर निवारण नहीं हुआ तो आज इंडस्ट्री भी धोखे में है। इतना सारा इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने करके रखा है, इतनी 1400 जिनिंग फैक्ट्री गुजरात में है, 4000 से ऊपर जिनिंग फैक्ट्री भारत भर में है, इनका सबका भविष्य कपास के ऊपर है। अगर कपास ही नहीं आएगा, ये हल्की गुणवत्ता वाला है, ये पिंक बॉल बम से डैमेज हुआ हुआ अगर कपास आपके पास आएगा तो आपका क्या होगा। यही तेल इंडस्ट्री के लिए है, आपको इसी कपास से खोल बनता है, तेल निकलता है कपास ये से, तो वो तेल अगर ये जो पिंक बॉल बम दूषाणु युक्त होगा उससे अगर पीड़ित इतने सारे जीव को मार के वो तेल निकला होगा तो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे आगे कर्मों के भार के लिए हमको ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा, अपने पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ये सभी का दायित्व तो मिलके है, जहां जितने पैसे लगे किसानों के लिए अब लगाने का समय है, जहां जितना संशोधन हो अब करने का समय है, जो पॉलिसी बनाए अब बनाने का समय है, इसमें कोई फ्यूचर या कल काम नहीं आएगा, जो काम आज करने जैसा है वो अभी ही करना चाहिए। किसान।